हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, मैं इस वक्त हूँ बस्ती में और मैं बताता हूँ आपको कि मैं जा रहा हूँ मुकेश भाई से मिलने उनके गांव। और गाइस, मैं रात 9:30 बजे बैठा था, दिल्ली से मेरी ट्रेन थी और यहाँ पर मैं 9:30 बजे ही ला कर छोड़ा हूँ ट्रेन ने भाई, यानी 12 घंटे मेरे को हो गए चलते चलते। सो गाइस, अभी मैं बस्ती में रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ूँगा वासी के लिए, उसके बाद फिर वहाँ से उनके गांव जाऊँगा। गाइस, तो मैं मुकेश भाई से मिलने के लिए मैं इतना दूर से आया हूँ गाइस, तो भाई मेरी वीडियो को सपोर्ट करना यार। और जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, वो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर लो। हम दोनों लोग आए हैं भाई, देखो कितना मेहनत, पता रात भर जागे हैं भाई, आँख भी ऐसी हो रखी है हमारी। और पता गाइस, अभी हम जा रहे हैं, उसके बाद ना फिर हम वहाँ मुकेश भाई के गांव पहुँच करके ना, उसके बाद फिर मुकेश भाई के साथ हम प्रैंक करेंगे ये टेडी बियर पहन के, क्योंकि मैं टेडी बियर का जो मैस्कोट है वो गाइस लेकर के साथ में आया हूँ और इसी को पहन करके मैं मुकेश भाई के साथ प्रैंक करूँगा गाइस। तो मेरी वीडियो को ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना गाइस। और भाई जिन, मैं फिर से हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, प्लीज़ यार वो जा करके पहले सब्सक्राइब कर लें यार। एक अब एक सब्सक्राइबर से क्या जा रहा है आपका यार, लेट कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है भाई। भाई मैं रेलवे स्टेशन से ना, मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया हूँ और ये इसकी मार्केट है, बस्ती के गेट है इसका, ये आप देख रहे हो बस्ती रेलवे स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। ये इसका गेट है और ये मार्केट में हूँ गाइस, क्योंकि भाई मैंने पैसे, क्योंकि मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ ज़्यादातर और फ़ोनपे यूज़ करता हूँ। सो गाइस मेरे पास, क्योंकि मुझे कैश की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो मैं पहले यहाँ से कहीं जाकर के कैश निकालता हूँ। सो गाइस, भाई हम ऑटो में से उतर चुके हैं और इससे यहाँ से गाइस पकड़ेंगे बस हम लोग को भी मिलाइए। अरे कहाँ गए फोन, यहाँ से गाइस बस पकड़ेंगे भाई हम, रोडवेज अड्डे पे आ गए, यहाँ से बस पकड़नी है हमें। फाइनली हम बैठ चुके हैं भाई बस में, देखिए गाइस फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं भाई, यहाँ से सीधा जाएंगे बासी, उसके बाद फिर किसी से पूछते हैं भाई उस पर कैसे जाना है। सो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। Close till I get up, time is barely on our side. गाइस हम बस में से उतर चुके हैं भाई और यहाँ पे उतरे हम कौन सा गांव है भाई, हम उतरे हैं रदौली मार्केट है, पर ये मुकेश भाई का जो नियर बाई जो मार्केट है ना, यही लगता है भाई रदौली। और गाइस हम यहाँ पर उतरे हैं, यहाँ से उनके गांव के लिए हम ऑटो पकड़ेंगे, पैदल जाते हैं, देखते हैं क्या है। और उसके उससे पहले गाइस हम ले लेते हैं पहले मिठाई, मेरे पीछे मिठाई की दुकान है और यहाँ से मैं मुकेश भाई के लिए मिठाई रखता हूँ अपने पास, मिठाई लेता हूँ यहाँ से गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं मिठाई की दुकान पर, भाई लेते हैं मिठाई यहाँ से, देखिए भाई बहुत सारी मिठाई, कौन सी मिठाई अच्छी है इस वजह से। I see the constellations, they remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation, it's so evident this world will soon be gone, will soon be gone. So guys, यहाँ पर ना सारी मिठाई भाई बहुत अच्छी है और हम ना इसी वजह से सारी मिठाई तो नहीं ले पाएंगे, हमने ना सभी में से बोला मिक्स करने के लिए भाई से, तो भाई सभी मिठाइयों में से हल्का हल्का मिक्स करेंगे और भाई से मिठाई लेकर के जब जाते हैं मुकेश भाई के घर गाइस। अभी हमें पता भी नहीं कैसे जाना होगा, पता करेंगे भाई यहाँ से। सो गाइस फाइनली हमने भाई मिठाई ले ली है, कैसे लेते हैं गाइस, फिर चलते हैं मुकेश भाई के घर हम। गाइस भाई हमने यहाँ से मिठाई ले ली है और अब यहाँ से हम ऑटो में दोबारा से बैठ गए गाइस और यहाँ से आगे उतरेंगे हम लड़ाई जाके, हिड़ई से फिर जाते हैं मुकेश भाई के घर की ओर। गाइस भाई हमको 15-16 घंटे हो गए चलते चलते, लेकिन अभी तक हम अपने लोकेशन पर नहीं पहुंचे हैं भाई। धूप भी बहुत, देखो धूप आप देख रहे हो पीछे एकदम चमक रही है भाई, बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी से भी ज़्यादा यहाँ गर्मी है कसम से भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा यार, धूप भी बहुत तेज है, बहुत तेज धूप हो रखी है गाइस, क्या करें। 17-16 घंटे हो रहा है, फेस हम लोग का कैसा हो गया है, एकदम लाल हो गया है धूप में, यहाँ पे चलने का मन नहीं कर रहा है धूप भाई, देखो पसीना छूट रहा है बहुत ज्यादा, पसीना छूट रहा है गाइस, देखो मेरी शक्ल से देखो क्या हो रहा है भाई, हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है गाइस। तो गाइस एक बात और, क्योंकि हम लोग दिल्ली से उतना दूर से आए हैं, यहाँ पे सिद्धार्थ नगर बस्ती के पास बहुत दूर से आए,
इस वीडियो में आप लोग सपोर्ट कीजिएगा गाइस। आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, आपके लिए सिर्फ हम लोग आते हैं वीडियो बनाने। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना यार, मैं बस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं अब देखो दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ। मैं पता है ट्रेन में धक्के खाते हुए आए हैं, और पता है टिकट मैं पहली बार भी कट गया ट्रेन गाइस। मैं ना ट्रेन में फर्स्ट बार बैठा था, मतलब बैठा तो हूँ लेकिन मैंने पता नहीं टिकट कैसे कराते कैसे नहीं कराते। तो मैंने रिजर्वेशन वाला नहीं था, स्लीपर वाले में हम बैठ गए, टिकट पैसे ले लिए हमसे भाई, हमने दे दिए डर के मारे, क्योंकि पता नहीं क्या है क्या नहीं, बोले थे अंदर बंद कर देंगे, फाइन मार दिया टिकट वाला, फाइन मार दिया हमने और दे दिया उनको। हमें ना बहुत ज्यादा वाहन भाई चेंज करने पड़े हैं, और ये ना अब मसीना के लिए लास्ट वाहन है गाइस, और मतलब इसके बाद ना हमें कोई वाहन चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस रिक्शे में हम बैठ गए हैं और यही अब लास्ट रिक्शा है, सीधा जा रहा है मसीना मुकेश भाई का जो गांव में घर है गाइस, ठीक है। और हम जाते हैं मुकेश भाई घर, बहुत लंबा रास्ता है भाई यहाँ से आगे में यार। सो गाइस मुकेश भाई का गाँव आ गया है, और गाइस यही है मुकेश भाई का गाँव जिसमें हम एंट्री करने वाले हैं। सो गाइस हम मुकेश भाई गांव में आ चुके हैं, और मैं इस वक्त मैं इस वीडियो को यहीं पर डी एंड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा वो मुकेश भाई के साथ ही बनाऊंगा, और मैं अपनी मेरा जो यूट्यूब का जो थंबनेल लगा हुआ है ना उस पर मैं उस वाली टी शर्ट पहनूंगा गाइस, ताकि मैं मुकेश भाई के साथ मैं अपना वो थोड़ा थंबनेल भी मेरा देख सके। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर डी एंड कर रहा हूं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हेलो।